बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे पास है लिथियम फास्फेट बैटरी, और इसमें मसला ये आया कि ये चलते हुए हमारे इन्वर्टर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो लोड की वजह से, तो ये बैटरी डेड हो गई। इसमें कोई लाइट नहीं आ रही, कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा, कोई इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा। तो किलोमीटर के साथ वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने एक तार उसको फिक्स कर दिया, और एक इधर डिस्प्ले पे आपको दिखाऊँ, कुछ भी वोल्टेज नहीं है, 1.3 है। तो हम इसको खोलेंगे, खोल के एक तो चेक करेंगे कि इसमें सेल कौन से लगे हुए हैं, दूसरा इसको रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि ये बैटरी रिपेयर होती है नहीं होती, इसका क्या सीन है। तो हम इसको खोलेंगे भी, और खोलने के बाद साथ साथ आपको दिखाएंगे कि इसमें सेल कौन से यूज़ हुए हैं, BMS कौन सा लगा है, और ये बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 100 AH की बैटरी है, और इतनी वो वजन नहीं है, और ना इतनी वो है, ना इसमें पानी डलता है, लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। तो इसको खोलेंगे और चेक करेंगे कि मज़ीद इसमें क्या चीज़ ख़राब है, फ्यूज़ ब्रेक हुए हैं, कोई सेल डैमेज हो गया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वेलकम बैक। ये जी हम बैटरी को जहाँ साइडों से ओपन कर लिया, तो अभी इसको खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। पकड़े जी, ये हमारी लिथियम बैटरी फास्फेट। ये इसमें LED लाइट का वो है कनेक्शन, और ये नीचे USB सर्किट लगा हुआ है। ये हमारे पास है जी BMS लगा हुआ, ये LED सर्किट लगा हुआ, ये हमारे जो हैं वो सेल लगे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेल में कोई मसला आया है या किसी और चीज़ में कोई मसला है, तो उसको ट्रेस आउट करेंगे। गम हटा देते हैं इसे। ये इसमें जी 2, 4 और 6 सेल लगे हैं लिथियम फास्फेट। इसको निकालते हैं और चेक करते हैं। वेलकम बैक। ये जी हमारा जो BMS है वो जला हुआ है, तो ये BMS हम रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके फिर इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे, और जो सेल हैं वो निकालेंगे, वो चेक करवाएंगे आपको कि ये एक सेल कितने वोल्ट का है और क्या दे रहा है। वेलकम बैक। ये BMS जला हुआ है इसका, और BMS इसका जो लगा होता है वो नेगेटिव पॉइंट पे लगा होता है, नेगेटिव से नेगेटिव के लिए। और हम इसके यहाँ पे वोल्ट चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आ रहे हैं 12.37 का मकसद सेल चार्ज है, और सारे सेल ओके हैं। ये मैं एक एक करके चेक करता हूँ, 4.11, 4.11, और ये वाला भी 4.11। तो सेल भी निकालेंगे इससे, वो भी आपको दिखाएंगे कि कितने साइज में है, और उसके ऊपर कोई डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं है। नीचे देखेंगे कि उसमें कोई डिटेल वगैरह लिखी है या नहीं लिखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसका ये BMS है, ये यहाँ से चला हुआ है, ये और ये रिप्लेस ही होता है, क्योंकि ये रिपेयरिंग इसमें इसका IC शॉर्ट हो जाता है, तो मुश्किल से होती है। तो इसको रिप्लेस करेंगे और बैटरी भी ओके करेंगे, और साथ आपको दिखाया कि लिथियम बैटरी के अंदर होता क्या है। ए जी रेड वायर इधर आ रही है, इसको लगी हुई है आउट पे, और ये रेड वायर बी वाली बैटरी पे लगी है। P-पॉइंट का है और B-माइनस का है, और ये कनेक्शन इसके अंदर। वेलकम बैक। ये जी हमने BMS निकाल लिया, ये इसको रिपेयर करने के करेंगे या फिर इसको रिप्लेस करेंगे। ये सेल हमारे ओके हैं। ये जो है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक सेल है, ये 2 सेल लगे हुए हैं। ये एक सेल ईच जो है वो 100 एम्पेयर का है, और 4.2 वोल्ट के ऊपर। तो ये इन्होंने इसको 100 एम्पेयर पे कन्वर्ट किया हुआ है, और टोटल जो है वो 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी बन जाती है। लिथियम बैटरी है, लिथियम फास्फेट सेल है।
ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है किसी साइड पे भी। तो ये चीज़ है, ये बायस सिस्टम है।